व्यवहार बदल लीजिए। किसी को डांट के फटकार के चुप करने से समस्या का हल नहीं होता है। डांटने से किसी की स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है, हृदय परिवर्तन से स्वभाव को बदला जा सकता है। मान्यवर, हमारी डांट फटकार से थोड़ी देर को तो आदमी चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन इससे जिंदगी के कोई समाधान नहीं होंगे। मेरे हृदय को बदलिए। एक पिता था, उसकी एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था लड़की से, अपनी प्राणों से ज्यादा प्यार अपनी बच्ची से करता था। हर पिता करता है, कौन है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है? इतना प्यार, मां बाप के लिए बच्ची सुंदर हो या गोरी हो या काली, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्ची तो बच्ची हुआ करती है। बहुत प्यार करता था लड़की से, हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बेटी के जुबान पर कोई बात आ नहीं पाती कि पिता उसकी हर मुराद पूरी, अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता था मिलने में, लेकिन बेटी ने यदि कुछ कह दिया तो पिता सबसे पहले अपने बेटी की इच्छा पूर्ति करता था। उसने कहा मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसा खाऊंगी, ऐसा रहूंगी, बेटे ने, पिता ने कहा ठीक है बेटा। बहुत प्यार था उसे अपनी बच्ची से। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, बहुत लाड़ करो, बहुत दुलार करो, लेकिन पुलक सागर की एक बात याद रखना कि इतना प्यार मत करना कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ध्यान रखिए, इतना भी लाड़ प्यार मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी को पढ़ो दूसरों के घरों में जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना लेकिन बेटियों के स्वभाव पे ध्यान जरूर देना। हकीकत में बताऊं तो 90% सराल ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटी का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपको विचार करना है। इतना लाड़ मत करो कि वो जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद ही भूल जाए, वो मान मर्यादा ही भूल जाए, वो भूल जाए कि मैं भारतीय नारी हूं। ध्यान रखना, सुविधाएं दो, इतना मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। ध्यान रखिए, उस पिता ने, सेठ ने बहुत प्यार किया अपनी बच्ची को, इतना प्यार, इतना प्यार कि वो लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई। एक बात ध्यान रखना, लड़ंका बहू से घर नहीं चलता, लड़ंका नहीं प्रियंका चाहिए। ध्यान रखिए, विचार करिए, लड़ंका नहीं चाहिए, लड़ने वाली नहीं चाहिए, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। उसने, सेठ ने बहुत प्यार किया, जिद्दी हो गई, 8-8 बजे सोकर उठती, कोई कुछ कहता तो हजार जवाब देती, झल्लाहट रखती, झुंझला के बात करती। एक बात याद रखना बेटियों, ये तुम्हारा झुंझलाना, ये तुम्हारा गुस्सा होना, ये तुम्हारा खींचना मां बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ध्यान रखना, मां बाप तो जवाब सुन लेंगे लेकिन जब विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए, बहुत संभल के जीना है अपनी जिंदगी को। अहंकारी हो गई लड़की, घमंडी हो गई लड़की, मां समझाती कि देखो तुम ये करते क्या हो, कितनी अकड़ में जीने लगी है, कितना ईगो हो गया इसको, फटफट जवाब देती है। पिता ने कहा बच्ची है, ठीक हो जाएगी। ना बाबा, बच्ची समझ के मत छोड़िए, आपका ये प्यार, आपकी ये ढील उस बच्ची का जीवन भर। मैं विचार करता हूं, आपसे बात करता हूं, एक निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आज बच्ची की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर को तो खुश हो जाओगे, लेकिन ये आदत यदि बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे। ध्यान रखिए, लड़की को पालना
किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती है। मान्यवर, बड़ी हो गई, पिता ने कहा कि अब ये बड़ी हो गई है, और जब बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं, तो हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। शादी कर दी पिता ने एक अच्छे घर में, शादी हो गई, विवाह हो गया, चली गई ससुराल, 8 दिन भी नहीं हुए फोन आ गया पिता के पास, पिताजी। हाँ बेटा बोल, कैसी है? अरे कैसी हूं, मर रही हूं मैं, यहां पे मर रही है ऐसा कि 8 दिन में तेरा ये हाल हो गया? बोले मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूं, इसी वक्त मुझे आइए लेकर के चलिए, मैं इस नरक में नहीं जी सकती हूं। पिता ने कहा यार 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? अरे बोले सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आके मुझे ले जाइए। बाप ने कहा यार मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की, पूरे नगर में ऐसी शादी कोई नहीं कर सकता है, 8 दिन में ये क्या हो? बेटी ने कहा मैं फोन रख रही हूं, जल्दी आओ वापिस, मुझे ले चलो यहां से, नहीं तो बेटी का मुंह नहीं देख पाओगे। लाचार पिता, ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता मेरे भाई। लाचार था वो पिता, क्या करता, एक तरफ तो बच्ची का प्रेम है। 8 दिन हुए, चला गया ससुराल में लड़की की, जैसे ही गया किसी ने जय जिनेन्द्र भी नहीं किया, किसी ने राम राम भी नहीं की, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए पधारिए। लड़की के ससुर अपनी जगह चले गए, दामाद बाजू से निकल गया, देवर ने कुछ नहीं बोला। उसने देखा यार 8 दिन की शादी में ये शमशानी माहौल है यहां का, किसी ने कुछ नहीं बोला। घर में गया बेटी के पास कमरे में, एक बात याद रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार से तुम्हारी ही ससुराल में तुम्हारे मां बाप का अपमान हुआ करता है, ध्यान रखिए, और यदि व्यवहार अच्छा रखती तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े रहते, कहते कि धन्य हो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है, ध्यान रखिए। कोई नहीं बोला उससे, गया बेटी के कमरे में, बेटी बात क्या, इसी वक्त चलो पानी मत पीना इस घर का। अरे पिता ने कहा ऐसा क्या? बोले अभी ले चलो इसी वक्त पीहर ले चलो, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहां एक पल नहीं रह सकती हूं। उसने कहा बेटा रुको मैं तेरी सासू से पूछ लेता हूं। बोले क्या पूछना? उस डायन से। अरे बोले उससे मत पूछो, बुढ़िया से, उसके कारण तो मैं दुखी हूं इस घर में, 8 दिन हुआ नहीं, मेरा जीना हराम कर रखा है। बोले बेटा रुको एक बार मैं पूछता हूं। गया लड़की की सास के पास, बोला बहन जी मैं आया हूं। सास ने कहा दिख रहा है कोई मुझे चश्मा नहीं लगा है, मैं आया हूं। कौन सा बड़ा कमाल कर दिया तुम आए हो तो। पिता ने कहा यार ये कैसा व्यवहार है? बोले बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूं, कल के ले जाने वाले आज ले जाओ इसी वक्त, ऐसी लड़की भेजी है तुमने, जीना हराम कर रखा है इसने, 8 बजे सो के उठती है, कोई काम नहीं करती है, सीधा बना बनाया खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो 1 की 4 सुनाया करती है, ऐसी लड़की दी है, ले जाओ अपना पैसा वापिस, ले जाओ अपना दहेज वापिस, नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की। पिता का सिर झुक गया बेटी की गलती से, ध्यान रखना, शर्मिंदा हुआ, बेटी को लिया चला गया। बोले बहन जी 10-15 दिन में भेज दूंगा। बोले कभी नहीं, जिंदगी मत भेजना उसको यहां, दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। पिता समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, बेटी को बिठाया कार में ले गया घर। रास्ते में पिता ने पूछा कि बेटी एक बात बता ये माहौल कैसे निर्मित हो गया? बोले पिताजी कहां पटक दिया तुमने मुझे लेकर ले जा करके,
इससे अच्छा तो कुमारी रह लेती तो अच्छा था। बोली बेटा एक बात बताओ, देखो चिंता मत करो मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा, एक बात बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है। बोले देखी नहीं है क्या, एकदम नरक, ससुराल नरक। बोली बेटा एक बात बताओ तुम्हारी सास कैसी है। बोले डायन, सास डायन चुड़ैल। अच्छा ससुर कैसे हैं, ससुर राक्षस पूरे। अरे बाप रे, ससुर राक्षस, सास डायन। बोले बेटा अच्छा एक बात बता जेठ कैसे। बोले धूर्त नंबर वन का मूर्ख। अरे बोले देवर कैसा है। बोले आवारा बदमाश, यहां वहां घूमते रहता है। अच्छा तो बेटी एक बात बता ननंद कैसी है। बोले नंबर वन की चुगली करने वाली चुगलखोर, उसके जैसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो बोले बेटा एक बात बता तेरा पति कैसा है। बोले साक्षात यमराज है, पति यमराज, ससुर राक्षस, सास डायन, देवर आवारा, जेठ मूर्ख, ननन चुगलखोर। बोले एक बात और बता दे बेटा तेरे पड़ोसी कैसे हैं। बोले एलएलबी। बोले एलएलबी, बोले लुच्चे लफंगे बदमाश, एलएलबी तो यही होता है। ए बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। अरे पिता ने कहा यार एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर मेंबर गलत है। गल ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। समझदार पिता था, ध्यान रखना लड़की के माँ बाप को बहुत समझदार होना पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ ससुराल नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की है। एक भी तो अच्छा नहीं है पूरे घर में, जो देखो सब इसके खिलाफ है, जो देखो सबकी ये बुराई कर रही है। बोले बेटा चिंता। बोले पिताजी अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोले मत जाना, तेरे बाप का घर है, आराम से रहना। बेटी अपने यहां किसी चीज की कमी नहीं, ले गया पीहर में। अब चली तो गई, भाभी ने देखा अच्छा आ गई देवी जी, इसका मतलब है कि अब विचार बना कि अभी यहीं रहेंगी। तो भाभी ने कहा ला चाबी इधर। कहाँ की भाभी, अभी ध्यान रखना दो चार आठ दिन को जाओ तो भाभी भी इज्जत करती है, और जब रोज रोज रहने लगो तो भाभी भी कहती बहुत हो गई दीदी दीदी जीजी जीजी, अब साइड हो जा, चल उठ खाना बना, चाय ला, नाश्ता ला, बहुत ऐसो आराम हो गए तेरे। उसने कहा यार भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी। अरे बोले करती थी प्यार, तरीके से रहे तो प्यार करे, अब तू ससुराल छोड़ के आ गई, यहीं रहेगी क्या, हमारी छाती पे दाल दलेगी। अरे उसने कहा यार भाभी का तो नेचर बदल गया, ज्यादा लड़की पीहर में रहेगी इज्जत खराब हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान रखना, लड़की की शान पीहर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी उठना, ये लड़की की शान हुआ करती है, ये लड़की का जीवन हुआ करता है। भाभी का व्यवहार, मंदिर गई एक दिन दो दिन पांच दिन, दो महीने हो गए, अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई, पूछने लगे क्यों लेने नहीं आ रहे क्या। अब तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का, ए बाप के यहां रह रही है पड़ोसी का पेट दुख रहा है, ए जो भी सहेली मिलती क्यों कहां घूम रही, जीजा जी नहीं आई क्या। अरे उसने कहा सत्यानाश हो वो जीजा का, ना मुझे ससुराल में रहने दे रहा है ना पीहर में रहने दे रहा है। जहां जाए शादी में जाए पार्टी में जाए कहीं भी जाए हर कोई पूछे क्यों लेने नहीं आ रहे, छोड़ दिया क्या। अरे उसने कहा यहां जीना तो और भी, हरा मेहमान पूछे रिश्तेदार पूछे जो देखो वो टोके, ससुराल नहीं जाती है, तीन महीने हो गए झगड़ा चल रहा है क्या, कुछ अनबन है क्या। अरे उसने कहा मैं तो मर गई, वहां से गई हम आसमान से गिरी और खजूर पे। ध्यान रखना ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, ध्यान रखना इनको बड़ी परेशानी हो जाती है क्यों नहीं जा रहे। अब मंदिरों में एक ही चर्चा, फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जा रही है, लगता है कि छोड़ दिया है, लगता है कि तलाक की तैयारी है। अरे हमें तो मालूम था ये ऐसा ही है, ये कहीं भी रहने वाली। अरे उसने कहा ये तो मेरा जीना हराम हो गया, तीन महीने में पूरे मोहल्ले ने उपद्रव मचा दिया। बोले सेठ जी ये लड़की जाती नहीं है क्या। अब सेठ क्या बोले, सेठ एक दिन उदास बैठी थी झरोखे पर, सेठ ने कहा बेटी बड़ी दुखी दिख रही। बोली करूं क्या पिताजी, मैं ससुराल बिल्कुल नरक है,
और यहां शादी के बाद क्या आ गई कि मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। जो देखो मुझे शक की निगाह से देखता है, जिससे बात करो जैसे ही बात करो पहला प्रश्न होता है, जीजा जी कहां है? अब जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छी तो पिताजी मेरी शादी ही नहीं होना थी। ध्यान रखना, यदि मोहल्ला टोंकता है, समाज टोंकती है, ये बुरी बात नहीं है, ऐसे ही टोंका करो, किसी का उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा। ध्यान रखिए मान्य। बहुत दुखी हो गई वो। पिता ने पूछा, बेटी एक काम करेगी? बोले क्या? बोले अपने नगर में एक महाराज पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, मैंने तेरी चर्चा उनसे की है। क्या बोले महाराज? बोले पहले सुन ले शांति से, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि इस मंत्र की मैं साधना करूं, मंत्र का जाप करूं, तो 6 महीने में ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। मुट्ठी में आ जाएगी? बोले अब लड़की चाहती क्या है, इनको सबसे बड़ा दुख क्यों है कि किसके अंडर में मैं रहूं, ये तो ये चाहती कि जाते ही साथ मेरा राज्य हो जाए, मैं महारानी बन जाऊं, सब लोग मेरे इशारे पर काम करे। इनको राजपाट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, बहू को चाहिए घर की चाबी, घर की मालकियत, वो किसी के अनुशासन में रहना नहीं चाहती है, लोगों को अनुशासन में रखना चाहती है। पिता ने कहा, बेटा 6 महीने में तेरी ससुराल का पूरा वातावरण बदल जाए तो तू ससुराल जाना चाहेगी? उसने कहा, पिताजी क्यों नहीं जाना चाहूंगी। अब अकल आ गई उसको ठिकाने, ज्यादा बहू गड़बड़ करे ना तो 1-8 साल छोड़ दिया करो, अपने आप आएगी लौट के वापस। ध्यान रखना, अब अकल आ गई उसको कि क्या करूं। बोले हां पिताजी जा सकती हूं मैं। बोले सब तेरी मुट्ठी में होगा? बोले सब होगा। बोले हां। तो बोले मैं जा सकती हूं पिताजी। पति बोले वो तेरे आगे पीछे घूमेगा, सास अरे तेरे पैर छुएगी, वो सास पैर छुएगी? बोले हाँ। अरे ऐसी ससुराल तो चाहिए थी मुझे। बोले मैं, महाराज ने क्या कहा? बोले महाराज ने ये कहा कि मंत्र, बोले पिताजी देखो ये मंत्र मंत्र मुझसे नहीं होगा, ये कठिन काम है। बोले एक काम कर, महाराज ने ये कहा है कि मंत्र तो मैं जप लूंगा, साधना तू कर लेना। बोले मंत्र तुम जपो साधना मैं करूं? बोले हाँ, तुरंत इफेक्ट पड़ेगा। तो बोले पिताजी मुझे क्या साधना करना है? बोले साधना तुझे इतनी करना है कि 6 महीने किसी को जवाब मत देना, किसी को भी कोई कुछ भी बोल दे 6 महीने जवाब मत देना, और 6 महीने किसी से अकड़ना मत, झुक करके जीना, ईमानदारी से काम करना। बोल तैयार है? बोले पिताजी तैयार हूं, बस 6 महीने ना? बोले हाँ, उससे ज्यादा तो नहीं? बोले नहीं, उसके बाद ससुराल मेरी मुट्ठी में। अरे बोले तुरंत मुट्ठी में? वो बोले नहीं हुई तो? नहीं हुई तो बेटा अपना घर है, वापिस जाना। गया, तैयार हो गई, पिता ले गया ससुराल में। जैसे ही पहुंचा सबने देखा, फिर आ गई ये आफत की जान है? कोई नहीं बोला इनसे, ना ननन ने बोला कि भाभी आ गई, ना देवर ने बोला भाभी आ गई, ना जेठ ने बोला बहू आ गई। पति ने कहा फिर आ गई कलबुही इस घर को बर्बाद करने। गुस्सा तो इतना आया उसे, लेकिन पिता ने कहा साधना ध्यान रख, कुछ भी मत बोल 6 महीने। गई, पिता ने छोड़ा, सास से बोला कि बहन जी ये रखी इसको, ये बदल गई। बोली ये क्या बदलेगी, वापिस ले जाओ इसको, मैंने मना किया था ना कि हमारे यहां मत भेजना। एक मौका तो हर किसी को दिया जाता, इसको देने का प्रयास करिए। सास ने कहा ठीक है। गई, सुबह उठी, 8 बजे उठती थी, 6 महीने मुझे 6 बजे उठना है। उठी, गई सासू के पैर पड़े। अरे सास ने कहा ये क्या है, ये पैर पड़ रही मेरे? बोली अम्मा जी आशीर्वाद दो कि आज का दिन सुख शांति से बीते, शुभ बीते, तुम आशीर्वाद दे दो तो सुख शांति। सास खुश हो गई तो फिर तो शांति शांति है। बोली अम्मा जी आशीर्वाद दो, मैं सबको खुशियां बांट सकूं। अम्मा ने कहा यार ये बोल क्या रही है। ठीक ठीक बेटा आशीर्वाद। जा रही थी, एक पैर की चोट लगी, कांच का गिलास फूट गया। ससुर ने कहा अंधी है क्या, दिखता नहीं है तुझे? आते ही सात उपद्रव शुरू हो गए तेरे, जब तक नहीं थी बड़ी शांति थी, गिलास फोड़ के रख दिया।
किया। अब गुस्सा इतना आया, उसने कहा बुड्ढे यदि मेरा बाप मंत्र नहीं जप रहा होता तो गिलास तेरे सिर पे फूटता, लेकिन अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं, मजबूर हूं, क्या बोलूं। पिता का चेहरा याद आया, बेटा कुछ जवाब नहीं देना, चुप रह गई। बोली पिताजी गलती हो गई, कल से ध्यान रखूंगी। बाप ने कहा यार ये गलती हो गई, इसके मुंह से तो गलती शब्द हमने सुना ही नहीं है, एक कहते थे तो 100 जवाब देती थी, 1000 जवाब, आज कह रही गलती हो गई। उसने कहा बुड्ढे रुक जाओ, 6 महीने बाद तुझे नहीं इस घर से निकाला मैंने तो मेरा नाम भी कौन बोला झांसी की रानी नहीं है, ध्यान रखना, विचार कर, एक बात ध्यान रख, बस 6 महीने, इसका जवाब तुझे 6 महीने बाद दूंगी मैं, ध्यान रखना। गई सुबह से नाश्ता बना रही, चाय बना रही, सास के कान में आवाज गई, उसने अपनी बेटी से कहा बेटी देख रसोई में इतने सुबह सुबह कौन गया है, कोई बिल्ली इल्ली तो नहीं है। ननन ने कहा बिल्ली नहीं है, ये अपनी वाली बिल्ली है। तो बोले कर क्या रही है, बोले नाश्ता बना रही है। अरे बाप रे, देवर के लिए थाली परोसे, जेठ के लिए सब व्यवस्था करे, पति का ध्यान रखती, ननन से प्यार करती, सहेली जैसी रहती, और बस अंदर क्या आग लगी थी, ये सब ड्रामा कब तक का है, 6 महीने का ड्रामा है, बस ध्यान रखना, सबको मेरी मुट्ठी पे चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। देखा एक दिन बीते, 2 दिन, महीने भर हो गए, इतना व्यवहार चेंज। सास ने कहा बेटा तू वही वाली है या तेरे पिताजी ने बदल के भेज दी है, तुम जुड़मा तो नहीं थी। बोले नहीं अम्मा जी, कैसी बात कर रही हो, ये घर मेरा है, ये स्वर्ग से सुंदर मेरा घर है, मैं इस घर को बसाऊंगी। सास ने कहा बेटा तू इतनी चेंज हो जाएगी। माँ बुढ़िया रुक जा, 5 महीने तो बचे, फिर बताऊंगी मैं तुझे। इतनी सॉफ्ट, पैर दबाती, जय जिनेन्द्र करती, पिताजी को पिताजी पिताजी कह करके बात करती, लोगों के दिलों पे राज करने लगी। 1 महीने में उसने देखा यार बाबा जी का मंत्र तो बड़ा प्रभावी है, उन्होंने तो कहा था 6 महीने लगेंगे, यहां तो पूरी सरकार मेरी मुट्ठी में आ गई है, अब तो अपना राज हो गया है। एक दिन सास ने बुलाया बेटा इधर आ, इधर आ, देख तू इतनी अच्छी लक्ष्मी आई है मेरे घर में। बोले लक्ष्मी, मालूम नहीं लक्ष्मी कब रणचंडी दुर्गा बन जाएगी। बोले बेटा एक काम कर, ये जो चाबी है ना, आज से तू संभाल। अरे उसने कहा हो गई आज मेरी जिंदगी, ला अम्मा जी लाओ ला, अरे ले बेटा ले। पति से कहा, बेटे से कहा, दुकान से लौटो, जो भी पैसा आए घर की लक्ष्मी के हाथ में देना, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब सब हिसाब किताब यही रखेगी, अब घर यही चलाएगी, धोबी का पैसा भी यही देगी, दूध वाले का पैसा ये देगी, सब्जी वाले को पैसा ये देगी, जो भी कमाई करके लाओ मेरी बहू रानी के हाथ में रख देना। अरे उसने कहा वाह बाबा जी, आज तो बल्ले बल्ले हो गई, सब कुछ मेरे हाथ में, हर चीज का, नौकर चाकर का तनख्वाह तुम देना, पेमेंट तुम करना, कौन सी सब्जी बनना है बहू बताएगी। उसने कहा यार बड़ा मजा, अब ससुर जी क्या करें, दुकान से लौटे तो लौटते समय क्या करें, वो बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आया करते थे, कभी पेड़ा लेकर आ जाए, कभी लड्डू लेकर आ जाए, कभी आइसक्रीम लेकर आ जाए। अरे उस बहू ने कहा यार कितने मजे हो गए यहाँ पर, ध्यान रखिए, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, ससुर से मेरा निवेदन है, सास से मेरा निवेदन है, जब भी बारामती से कहीं बाहर जाओ, घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ लेकर आओ या ना आओ, अपनी बहू के लिए एक साड़ी लेकर जरूर आया करो, अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ सामान। ये तालियां बहुओं ने बजाई क्या सासुओं ने, बड़ी होशियार है बहुओं ने बजाई, मजा आ गया, आज हो गई सासुओं की धुलाई। लेकिन ये सासुएं इतनी बेईमान है, बाहर जाएंगी लड़की के लिए लेकर आएंगी, बहू के लिए नहीं लाएंगी, ध्यान रख, ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। यदि हर बार ससुर जी घर लौटे, रोज घर लौटो, कुछ ना कुछ बहू को लेकर आओ, तुम बाहर जाओ सासुओं तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आओ, अरे एक नया मंगल सूत्र ही लेकर आ जाया करो, और कुछ ना मिले
कौन बोला अच्छी सुंदर सी चप्पल ले आया करो, नहीं चप्पल मत लाना बहू का मूड बिगड़ जाए तो, एक मोबाइल ले आया करो कि मेरी बहू को मोबाइल। ध्यान रख, इन बातों से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहू के मन में ये भावना आती है कि बाहर घूमने के बाद भी मम्मी ने मेरा ख्याल रखा है। आपके प्रेम के संबंध बन जाएंगे, आपकी आत्मीयता के संबंध बने जाएंगे। आप चाहते हो ससुर जी बोलो कि घर में हमारा कोई इंतजार करे, वैसे तो बुड्ढों का कोई इंतजार नहीं करता है, चाहते हो कि कोई इंतजार करे, इंतजार फोकट में नहीं होता मेरे भाई। यदि रोज मीठा लेके आओगे तो बहू कहेगी पापा जी नहीं आए, आज लेट हो गए, अभी तक नहीं आए, वो इंतजार तुम्हारा नहीं कर रही है, गुलाब जामुन का कर रही है। किसी भी बहाने घर में इज्जत तो बनाओ मेरे भाई, ध्यान रखिए। तीर्थों पे जाओ तो बहू को लेकर कुछ ना कुछ आइए। आप बताइए, आप सोचिए, विचार करिए, आपके संबंध अच्छे, ससुर जी लौटे बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। धीरे धीरे एक महीने में परिवार तो बदल गया, दूसरे महीने में बहू के विचार भी बदल गए, सबके साथ ऐसे रहने लगी, ऐसे रहने लगी। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया, भाई लेने आया, भाई ने कहा बेटी दीदी राखी का त्योहार है, घर चलना है। तो मालूम है बहू क्या बोली, मेरी मम्मी से पूछ लो, जब पहली बार नजारा क्या था, भाड़ में जाए वो डायन, आज क्या कह रही है, मेरे पिताजी से पूछ लो, मेरी मम्मी से पूछ लो। भाई ने कहा ये तू ड्रामा कर रही है, हकीकत का मामला है। बोले चुप बैठ, पूछ के आ जा। गया, अम्मा जी दीदी को ले जाओ। अरे बेटा कहाँ ले जा रहा है? बोले रक्षाबंधन है। बोले बेटा त्योहार है तो मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन जब से तेरी बहन इस घर में आई है स्वर्ग जैसा वातावरण हो गया है, वो ना रहेगी तो हमारा मन ना लगेगा, वो ना रहेगी तो एक दिन काटना मुश्किल है। देवर बोला भाभी जल्दी लौट कर आना। ननंद की आंखों में आंसू आ गए। ससुर ने कहा बेटी तू मेरी बुढ़ापे की लाठी है, जल्दी घर वापस लौट के आना। देखो भैया राखी बंधे और दूसरे दिन भेज देना मेरी बेटी को, इसके बिना हमारे घर की शोभा। भाई ने देखा ये बात, गई घर पीहर। जैसे ही पहुंची पिता ने पूछा बेटी ससुराल कैसी है? बोले एकदम स्वर्ग पिताजी। अरे बोले वो नरक थी ना? अरे नरक नरक नहीं, बिल्कुल स्वर्ग है। और बोले पिता बेटा ये बता तेरा वो राक्षस ससुर, यार पिताजी तुम मेरे ससुर को राक्षस मत बोलो, देखो इतने अच्छे हैं, कभी तुम्हारी याद तक नहीं आती है जब तक उनके साथ रहती हो, मेरा जीवन बदल गया पिताजी। अरे बोले वो डायन सास। अरे इतना प्यार तो मम्मी नहीं करती जितना प्यार मुझे मेरी सास किया कर। अरे बोले वो आवारा देवर। बोले आवारा मत बोलो पिताजी, अब मुझे बुरा लग जाएगा। ए, बुरा लग जाएगा? बोले हाँ, लक्ष्मण की तरह मेरा देवर है, दिन भर भाभी 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 करते रहता है। अरे बोले वो चुगली करने वाली ननंद। चुगली नहीं, इतनी सम्मान और इज्जत, आज मुझे पता चला ससुराल में जाके कि घर में एक छोटी बहन का होना भी बहुत जरूरी हुआ करता है, बिल्कुल बहन सहेलियों जैसी रहती है। और बोले पिता बेटा वो तेरा धूर्त मूर्ख जेठ, अरे बड़े भाई का रोल अदा करता है पिताजी। और बोले वो राक्षस वो तेरा यमराज पति। बोले देखो पिताजी अब बर्दाश्त नहीं होगा, यमराज यमराज कहोगे, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। अरे बोले वो LLB पड़ोसी, उनके जैसे पड़ोसी पिताजी दुनिया में ढूंढने जाओ तो मिलने वाले नहीं है। बाप ने बेटी को छाती से लगा लिया और कहा शाबाश बेटी, आज तूने अपने बाप का माथा ऊंचा कर दिया है, आज तूने अपने पिता को गौरव दिला दिया है, आज मैं समझ रहा हूं कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि मेरी बेटी का घर स्वर्ग बन गया है। बेटियों से निवेदन है यदि आप खुश रहोगी ना तो पीहर में माँ बाप भी खुश रहेंगे, ध्यान रखिए, उनके जीवन में भी वो आनंद बरसेगा। क्या चाहते हैं एक माँ बाप? कि हमारी बेटी को सुखी रहे, इसका ध्यान रखिए। ससुराल में यदि आपने व्यवहार बिगाड़ा
तो माँ बाप की आंखों में आंसू आएंगे, सास ससुर रोएं या ना रोएं, माँ बाप सुबह सुबह कर आंसू बहाएंगे। ध्यान रखिए, एक जीवन बदल दिया उस लड़की ने। लड़की ने पूछा कि पिताजी एक बात बताओ, वो मंत्र कौन सा जप रहे थे तुम जिसकी मैं साधना कर रही थी? बोले बेटा हकीकत में बताऊं तो मैंने कोई मंत्र नहीं जपा। तो फिर इतना असर कैसे हो गया? बोले मेरे जाप से असर नहीं हुआ बेटे, तेरी साधना से तेरा जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया है। तूने जवाब नहीं दिया, सबका सम्मान किया, इस कारण तेरा घर स्वर्ग बन गया है। बोले अच्छा पिताजी? बोले बेटा व्यवहार बदलने से वही घर स्वर्ग हो जाता है जो कभी नरक में परिवर्तित हुआ करता है। ध्यान रखिए, व्यवहार बदलना है। अकेली बहू व्यवहार ना बदले, सासुओं को भी अपनी जिंदगी बदलने का प्रयास करना चाहिए। यदि बहू आपको इज्जत देती है, सम्मान देती है, तो सास को भी मां जैसा प्यार देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे प्रवचन से बहू बदल जाए और सास ललिता पवार बन करके खड़ी हो जाए। ध्यान रखिए, नहीं फिर मेरा प्रवचन कोई असर नहीं करेगा। यदि बहू सीता जैसी है तो तुम ललिता पवार मत बनो, मेरी अम्माओ जगत जननी जगदम्बाओ निरूपा राय बन जाओ और अपने घर को स्वर्ग बनाने का